मित्रों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सेटलमेंट जियोग्राफी का एक बहुत ही फेमस टॉपिक है कोटी आकार नियम, रैंक साइज रूल, जिसको कि जॉर्ज किंग्सले जिफ, जिन्हें हम जीके जिफ के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही फेमस नाम, इन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया था। और कभी कभी तो एग्जाम में सीधे सीधे यही प्रश्न आ जाता है कि किसने कोटी आकार नियम का प्रतिपादन किया था। तो एक पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से तैयार हो गया कि जॉर्ज किंग्सले जिफ, इनका पूरा नाम है, हम जीके जिफ ही जानते हैं, बट इनका पूरा नाम है जॉर्ज किंग्सले जिफ, इन्होंने रैंक साइज रूल नियम का प्रतिपादन किया था। और सेटलमेंट जियोग्राफी में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस ये नियम है, बहुत ही फेमस इनका कॉन्सेप्ट है। तो आज के इस अध्याय में हम लोग इसी नियम पे बात करेंगे कि बेसिकली जीके जिफ महोदय का जो रैंक साइज रूल है वो क्या कहने का प्रयास करता है, क्या बातें जिफ महोदय ने बताई हैं अपने नियम में। तो चलिए शुरू करते हैं। कोटि आकार नियम, रैंक साइज रूल। जीके जिफ द्वारा प्रतिपादित कोटि आकार नियम 1941 का जो ये नियम है, नगरीय भूगोल का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है। नगरीय भूगोल हम जानते हैं अर्बन जियोग्राफी, ये एक ब्रांच है सेटलमेंट जियोग्राफी की। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सेटलमेंट जियोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, या हम ये भी कह सकते हैं कि अर्बन जियोग्राफी का, क्योंकि उसी की ब्रांच है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अर्बन जियोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट एक ये नियम है। और इस नियम के अनुसार किसी प्रदेश या देश के नगर की कोटी, कोटी की इंग्लिश होती है रैंक, उसके जनसंख्या आकार में निश्चित अनुपात पाया जाता है। अर्थात रैंक और उसके जनसंख्या के आकार में एक निश्चित रेशियो पाया जाता है। नगर आकार संबंधों का अध्ययन 1913 में फेलिक्स आवरबाच, एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान फेलिक्स आवरबाच ने भी किया था, किंतु किसी व्यवस्थित व सामान्यकृत नियम का प्रतिपादन जीके जिफ महोदय ने ही किया। इसे हम कोटि आकार नियम कहते हैं। मतलब कि अगर कभी भी कोटि आकार नियम पे एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखने को आता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोटि आकार नियम में, हालांकि पहले भी आवरबाच जैसे विद्वान जो आए उन्होंने काम किया है इस क्षेत्र में, लेकिन कभी भी किसी ने किसी व्यवस्थित नियम का प्रतिपादन नहीं किया। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि किस विद्वान ने सर्वप्रथम किसी ऐसे व्यवस्थित नियम का प्रतिपादन किया था, तो वहां पे आप बताएंगे कि सबसे पहले इस तरीके के एक व्यवस्थित नियम का प्रतिपादन जीके जिफ महोदय ने किया था, और उन्होंने कोटि आकार नियम, रैंक साइज रूल का प्रतिपादन किया था। और इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि नगरों की कोटि और उनके जनसंख्या के आकार में एक निश्चित अनुपात पाया जाता है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो आगे जब अभी हम डिटेल में इस नियम की व्याख्या करेंगे तो हम देखेंगे कि जिफ महोदय यही कहने का प्रयास कर रहे हैं, यही दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि रैंक पूरी तरीके से इनकी जनसंख्या पर ही बेस्ड है। जो इनका रैंक का कॉन्सेप्ट है, जनसंख्या का जो आकार होता है किसी भी स्थान का, उसी पर इनका रैंक का कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अब हम लोग नियम को समझते हैं। जैसा कि लिखा है, किसी देश या प्रदेश की नगरीय इकाइयों को यदि हम उनकी जनसंख्या आकार के अनुसार बृहत्तम से लघुतम अर्थात बड़े से छोटे की ओर रखें, तो ऐसा करने पर प्रथम सबसे बड़े नगर की जो कोटी होगी वह एक होगी, और दूसरे बड़े नगर की कोटी दो होगी, तीसरे बड़े नगर की कोटी तीन होगी। इसी प्रकार सभी नगरों की कोटि का निर्धारण किया जा सकता है। मतलब कि सिंपल सा बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग इसको मिस कर देते हैं पता नहीं क्यों। बहुत ही ज़्यादा सरल इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए आपने यूपी को सिलेक्ट किया, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश को आपको कोटि आकार नियम के बेस पर अगर इस पर काम करना है तो आप क्या करेंगे, यूपी के जो सबसे पहले तो आप यूपी के शहरों को अवरोही क्रम में सजा देंगे। और किस क्रम में, किस बेस पे, आपको जनसंख्या को बेस लेके चलना है, आपको साइज के बेस पे नहीं चलना है कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इस पर आपको बात नहीं करनी है, आपको फोकस करना है जनसंख्या पे।
ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो थ्योरी है, जो बुरा पुरन का कॉन्सेप्ट है, ये जनसंख्या पर ही बेस्ड है। तो यूपी को आपने लिया, सेलेक्ट किया, यूपी पे आपको काम करना है रैंक साइज रूल के संबंध में। तो यूपी के जो शहर हैं, जनसंख्या के बेस पे आप उनको अवरोही क्रम में सजा देंगे, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में, या इस तरीके से कह सकते हैं, मतलब बृहत्तम से लघुत्तम। सबसे पहला जो हमारा शहर होगा उसकी पॉपुलेशन सबसे अधिक होगी, सेकंड वाले की उससे कम होगी, थर्ड वाले की उससे कम होगी, और सबसे आखिरी वाला जो हमारा नगर होगा, जो क्षेत्र होगा, उसकी जो पॉपुलेशन होगी वो सबसे ज़्यादा कम होगी। तो यही कहलाएगा नगरों का एक अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अर्थात ऊपर जितने भी नगर होंगे वो जनसंख्या घटती जा रही है, जो नंबर एक पे है उसकी पॉपुलेशन सबसे अधिक है, और जो लास्ट पे है उसकी पॉपुलेशन सबसे कम है। तो यही ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि हम इस तरीके से नगरों को व्यवस्थित कर दें किसी भी क्षेत्र में, तो जो पहला नगर होगा उसकी कोटि एक होगी, अर्थात जो मैक्सिमम, जैसे यूपी में की हमने बात की, तो यूपी में नंबर एक पे जो नगर होगा जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है उसको हम मानेंगे रैंक वन, मतलब रैंक एक है उसकी। सेकंड वाले की रैंक टू, थर्ड वाले की रैंक थ्री, फोर्थ वाले की रैंक फोर। तो इसी प्रकार से सभी नगरों की कोटि का निर्धारण किया जा सकता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हम नगरों को रैंकिंग दे रहे हैं उनकी जनसंख्या के बेस पे, जिसकी सबसे ज़्यादा है, जो नंबर एक पे है जनसंख्या के मामले में, उसका रैंक वन होगा, जो उसके बाद है उसका रैंक टू होगा, जो उसके बाद है उसका रैंक थ्री होगा, और ऐसे करते करते, जो मान लीजिए किसी प्रदेश में, मान लीजिए 50 जिले हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और उसका जो 50वां जिला है उसकी पॉपुलेशन जिसकी सबसे कम है उसकी रैंक 50 होगी, मतलब लास्ट है वो, और उसका जो सबसे पहला वाला होगा जिसकी पॉपुलेशन उसमें सबसे अधिक है उस एरिया में, उस प्रदेश में, तो उसकी रैंक 1 होगी। तो कुल मिला के हम नगरों को किसी भी क्षेत्र की, हम देश पे भी बात कर सकते हैं, प्रदेश के संदर्भ में भी बात कर सकते हैं, तो किसी भी प्रदेश के या देश के नगरों को सबसे पहले अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें जनसंख्या को बेस मानते हुए, तो जो पहला नगर होगा जिसकी पॉपुलेशन सबसे अधिक है उसकी रैंक 1 होगी, और इसके बाद क्रम से रैंक घटती जाएगी, जो पहले वाले के बाद सेकंड नंबर पे है जनसंख्या के मामले में उसकी रैंक 2 होगी, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करते करते नीचे हम जाते जाएंगे। तो ये तो हो गया इनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट। यहाँ एक फॉर्मूला लिखा गया है, Pn इज इक्वल टू P1 अपॉन n, P1 अपॉन n। अब चलिए इस नियम की व्याख्या करते हैं। Pn का मतलब होता है nवीं कोटि वाले नगर की प्रत्याशित जनसंख्या, अर्थात जिसका हमको निकालना है, और P1 मतलब प्रथम कोटि के बृहत्तम नगर की वास्तविक जनसंख्या, और n बराबर कोटि का मान जिसका हमको ज्ञात करना है। हो सकता है अभी ये चीज ना क्लियर हो पा रही हो, बट अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए दो तरह के सूत्र हैं इस नियम में, नियम को तो हम लोगों ने समझ लिया, अब सूत्रों पे हम बात कर रहे हैं। किसी प्रदेश के बृहत्तम नगर की जनसंख्या दी गई है, वो जनसंख्या कितनी है, 60 लाख है, और ये एक एग्जाम्पल है। तो सूत्र के अनुसार अन्य कोटि के नगरों की जनसंख्या ज्ञात की जा सकती है। जो जीके जीफ महोदय ने दो सूत्र दिए हैं, पहले तो अभी हमने मेन कॉन्सेप्ट समझा कि बेसिकली रैंक साइज रूल कहता क्या है। रैंक साइज रूल ये कहता है कि अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में नगरों को रखें तो पहले वाले की कोटि एक होगी जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, ये हमने बात समझ ली। अब हम सूत्रों को समझ रहे हैं। पहला सूत्र ये हमें निकालने की बात बताता है, मतलब पहले सूत्र से हम ये ज्ञात कर सकते हैं अगर हमको किसी प्रदेश के सबसे बड़े नगर, रैंक एक जिसकी है, जिसकी पॉपुलेशन सबसे अधिक है, उसकी जनसंख्या पता है, तो बाकी सब रैंक टू, रैंक फोर, रैंक फाइव, रैंक सिक्स, बाकी सब जो हैं उनकी हम जनसंख्या ज्ञात कर सकते हैं अगर हमको पहले वाले की पता है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए रैंक एक की जनसंख्या 60 लाख है, अर्थात कोई प्रदेश कहीं का, वहाँ का जो रैंक एक वाला नगर है, अर्थात जो पॉपुलेशन में सबसे अधिक है, उसकी पॉपुलेशन है 60 लाख, ठीक। तो हमको रैंक टू के लिए निकालना है, तो रैंक टू वाले का क्या होगा, तो वही जो फॉर्मूला भी हमने पिछली स्लाइड में देखा,
pn इज इक्वल टू p1 अपॉन n। तो pn मतलब हमको जिसका निकालना है, और p1 अपॉन n का मतलब p1 अभी हमने देखा प्रथम कोटि के बृहत्तम नगर की वास्तविक जनसंख्या जो कि दी गई है 60 लाख बटे में कोटि का मान। कोटि का मान में हम रखेंगे n, n इज इक्वल टू कोटि का मान मतलब रैंक का मान, और रैंक का मान हम वह रखेंगे जिसका हमको निकालना है, मतलब हमें हमें रैंक 2 का निकालना है तो हम यहाँ 2 रख देंगे। आ गया 30 लाख। तो मतलब रैंक एक वाले नगर की पॉपुलेशन 60 लाख है, तो उसके बाद सेकंड नंबर पे जो नगर आता है जनसंख्या के मामले में इसके बाद, अर्थात जिसका रैंक 2 है उसकी पॉपुलेशन 30 लाख है। इसी तरीके से रैंक 3 का हम निकाल लेंगे, P1 हमारा वही रहेगा 60 लाख, और यहाँ हम किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ कोटि 2 थी तो हमने 2 रखा, यहाँ n की जगह 3 रखेंगे तो आ जाएगा 20 लाख। तो इस तरीके से हम पूरा 2, 3, 4, 5, 6 जितने का चाहे हम निकाल सकते हैं। तो पहला सूत्र हमको यह बताने का प्रयास कर रहा है कि यदि हमको किसी भी प्रदेश या किसी भी देश के रैंक एक वाले नगर की जनसंख्या ज्ञात है तो हम अन्य रैंक वाले नगरों की जनसंख्या को भी निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला हमने देखा P1 अपॉन एन, अर्थात PN इज इक्वल टू P1 अपॉन एन, जैसा कि आप बगल में देख रहे हैं यहाँ पर फॉर्मूला फॉर्मूला लिखा हुआ है PN इज इक्वल टू P1 अपॉन एन। हमको रैंक एक वाले नगर की पॉपुलेशन पता है तो हम जिस भी रैंक की चाहें उस रैंक के लिए जो हमारा नगर है उसकी पॉपुलेशन ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, हम लोग जनरली क्या करते हैं कि पहले वाले फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं, हमको लगता है कि रैंक साइज रूल कंप्लीट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, एक फॉर्मूला और इसमें होता है, दो फॉर्मूले जिफ महोदय ने बताए थे। तो चलिए अब दूसरे वाले फॉर्मूले को समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है कि यदि किसी विशेष कोटि के नगर की जनसंख्या ज्ञात हो तो उससे भी कोटि एक के नगर की जनसंख्या ज्ञात की जा सकती है, और इसके लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हैं, P1 इज इक्वल टू PN अपॉन RN। मतलब वहां पर क्या था, अब इसको समझिए, वहां पर हमको रैंक एक वाले नगर की जनसंख्या पता थी, उससे हम लोगों ने अंडर रैंक वाले नगरों की जनसंख्या ज्ञात कर ली। यहाँ पर क्या है, यहाँ हमको अन्य नगरों का ज्ञात है बट पहले वाले का नहीं ज्ञात है। हमको रैंक 3, 4, 5 का पता होगा बट रैंक एक का नहीं पता है, तो हमें रैंक एक का निकालना है। मैं फिर से बता दूं, पहले वाले सूत्र में हमें रैंक एक पहले नंबर का जो रैंक का नगर है जिसकी पॉपुलेशन सबसे अधिक है उसकी पॉपुलेशन हमें पता है, और उसके माध्यम से सूत्र का यूज करके हम बाकी रैंक के नगरों की जनसंख्या ज्ञात कर सकते हैं जो अभी हमने यहाँ पर देखा ऊपर वाले सूत्र में। लेकिन सेकंड वाला जो ये फॉर्मूला है ये बता रहा है कि अगर आपको बाकी रैंक के नगरों की जनसंख्या पता है, बाकी रैंक वाले नगर के बारे में जानकारी है, तो रैंक एक के नगर की जनसंख्या कितनी है ये आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझें। P1 इज इक्वल टू रैंक एक वाले नगर की प्रत्याशी जनसंख्या जो हमें ज्ञात करनी है, PN दी हुई कोटि के नगर की जनसंख्या और जिसकी हमें पता है, और RN इज इक्वल टू कोटि का व्युत्क्रम। अब इसको सूत्र पे रखते हैं फिर समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पॉपुलेशन ऑफ रैंक 5, मान लीजिए रैंक 5 का दिया गया है 12 लाख, रैंक 5 की हमको जनसंख्या पता है 12 लाख, हमको रैंक एक का निकालना है। तो P1 का हमको निकाल मतलब रैंक एक वाले का निकालना है हमें, तो 12 लाख बटे 0.2। अब 0.2 कैसे आया, वहां हमने देखा था हमने क्या किया है, RN इज इक्वल टू लिखा था कोटि का व्युत्क्रम। तो कोटि का व्युत्क्रम मतलब अगर आपकी कोटि 5 है तो आप 1/5 कर देंगे और उसका आंसर आएगा 0.2। तो और 0.2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60 लाख, और हमारे रैंक एक की पॉपुलेशन निकल गई 60 लाख। अगर यहाँ पर 4 होता तो आप 1/4 करते और जो आंसर आता उससे 12 लाख को डिवाइड कर देते। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ आप 1/3 करते और 3 से 1 में भाग देते, जो आंसर आता उससे 12 लाख को डिवाइड कर देते। अगर यहाँ पे 8 होता तो आप
1/8 करते, 8 से 1 में भाग देते, जो आंसर आता उससे आप 12 लाख में भाग दे देते दे और उत्तर हमें मिल जाता। और जो हमें आंसर मिलेगा वो होगी रैंक एक की पॉपुलेशन। मैंने जब खुद इसे ट्राई किया बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लेते हुए, तो रैंक 2, 3, 4, 5 तक तो 60 लाख एग्जैक्ट आ रहा था, लेकिन इसके बाद थोड़े से वेरिएशंस आना शुरू हो गए थे। जैसे जब आप इसके नीचे जाएंगे तो आपको हो सकता है कि आज जगह 62 लाख मिल जाए, कहीं 61 लाख भी मिल सकता है, लेकिन हाँ मैक्सिमम 80 पास रहेगा। जैसे अगर ये 60 लाख है तो वो 60 लाख कुछ हजार, 60 लाख, 61 लाख, मतलब कई रैंक तक तो एग्जैक्ट आएगा 60 लाख, 60 लाख, लेकिन बहुत ज्यादा जब आप निकालने का प्रयास करेंगे नीचे जाके तो 61 या 62 भी आ सकता है, लेकिन जनरली इसी के एग्जैक्ट आता है, नहीं तो आसे ही पास आता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता इसमें। तो ये था हमारा दूसरा फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला में हम लोगों ने रैंक एक के माध्यम से बाकी रैंक के जनसंख्या के का प्राप्त किया था, जनसंख्या को प्राप्त किया था, और इस दूसरे फॉर्मूला में हम लोगों ने अन्य रैंक के माध्यम से रैंक एक की पॉपुलेशन को हमने ज्ञात किया। ये हमारे दोनों फॉर्मूले हैं। ये पहला वाला हमारा सूत्र है, फॉर्मूला है, जहां पर हमने रैंक एक वाले नगर के माध्यम से बाकी रैंक के नगरों की जनसंख्या को ज्ञात किया था, और ये हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला है, जहां पर हमने बाकी रैंक के नगरों की जनसंख्या को के माध्यम से रैंक एक वाले नगर की जनसंख्या को ज्ञात किया था। तो ये दो फॉर्मूला हैं रैंक साइज रूल के। दोस्तों, रैंक साइज रूल का यह छोटा सा अध्याय इस प्रकार यहीं पर हमारा समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।